और अब कुछ खबरें तिजारती दुनिया से। वजारत खजाना ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ की हदायत पर बजट को बैन-उल-अक़वामी मालियाती फंड्स के मिशन के साथ शेयर किया गया था। वजारत IMF प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म है। वजारत खजाना की जानिब से पाक IMF मुज़ाकरात के हवाले से जारी ऐलानिये के मुताबिक वजारत खजाना ने IMF के नुमाइंदे के प्रेस बयान का जायजा लिया है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के लिए मजबूती से पुरअज़्म है। पाकिस्तान और IMF की बातचीत जारी है। IMF नुमाइंदे के बयान में कुछ मखसूस सवालात उठाए गए हैं। IMF नुमाइंदे के सवालात पर अपना मौकिफ वाज़ह करना ज़रूरी है। IMF का नवा जायजा 2023 के अवाल में किया गया था। हुकूमत ने IMF की तमाम टेक्निकल शराइत पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद किया। IMF का वायद बकाया मसला बैरूनी माली अयानत का था। वेनेजुएला दुनिया का सबसे महंगा मुल्क है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के महंगे तीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान छठे नंबर पर है। वेनेजुएला में महंगाई बढ़ने की शरह 436% है। महंगे मुल्कों की फहरिस्त में लबनान दूसरे जबकि शाम तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई की शरह में 38% इजाफे के साथ छठे नंबर पर है। बरतानिया में महंगाई बढ़ने की शरह 8.7%, भारत में 4.24 जबकि सऊदी अरब में 2.8% है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में महंगाई 1% कम हुई है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने रूस को चावल बरामद करने के लिए मजीद 15 कारखाने मंजूर करवा लिए। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मुताबिक ये बरामदात मुल्क की मैशत को फ़रोग देने की तरफ एक बड़ी कामयाबी है। रूस ने चंद साल कबल कीड़ों और कीड़े मार अद्वियात की वजह से पाकिस्तानी चावल की बरामदात पर पाबंदी लगाई थी। साल 2021 में सिर्फ 4 चावलों की मिलों को पाकिस्तान से रूस को चावल बरामद करने की इजाज़त थी। पाकिस्तान से चावल के अब 19 कारखाने रूसी फेडरेशन को चावल बरामद कर सकेंगे।